23 साल के नेपाली लड़के ने तोड़ दिया युवराज सिंह का महा रिकॉर्ड। रोहित और किलर मिलर के रिकॉर्ड को 19 साल के युवा ने कर दिया खाक। नेपाल क्रिकेट टीम के कमाल से दुनिया में हर कोई हैरान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नेपाल की टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया उसे देखकर तो हर कोई हैरान है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये मंगोलिया के खिलाफ रिकॉर्ड था, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया वो अपने आप में कमाल का है। भारत भी केन्या के खिलाफ खेली, भारत भी पप्पुआ न्यू गिनी के खिलाफ भी खेली, लेकिन ऐसी कई सारी टीमें हैं जो तमाम सारी छोटी टीमों के खिलाफ खेली, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन नेपाल की टीम ने दिखाया वो कमाल का रहा। नेपाल की तरफ से एक 19 साल के लड़के ने युवराज सिंह रिकॉर्ड को धूल धूल कर दिया। जी हाँ, युवराज सिंह ने जब 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में 50 लगाई थी, तब किसी ने नहीं सोचा होगा शायद इससे तेज कभी कोई 50 लगेगी, क्योंकि उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे और इसके बाद कमाल की पारी खेली थी। लेकिन नेपाल के 23 साल के दीपेन ने यह कारनामा किया। उन्होंने बहुत ही कम गेंदों में कारनामा कर दिया। युवराज सिंह ने 12 तो दीपेन ने 9 गेंदों में 50 लगा दी। अब आप सोचेंगे कि कैसे हुआ, तो आपको बता दूं कि 8 गेंदों में छक्के लगाए, इसके बाद उन्होंने एक और दुक्की ली और इसके साथ साथ अपनी 50 पूरी कर ली। 10 गेंदों में उन्होंने बनाए 52 रन, इसके साथ साथ एक महा रिकॉर्ड भी बना दिया है। अब ये रिकॉर्ड शायद ही आने वाले कई दशकों में टूट पाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन रहा, कम से कम मिनिमम गेंदों पे उन्होंने ये कारनामा किया है। अब शायद 9 गेंदों में ही कोई इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है, वरना ये रिकॉर्ड अब हमेशा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में दीपेन सिंह के नाम हो जाएगा। नेपाल ने इस मुकाबले में सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं बनाया, एक रिकॉर्ड और बना। ये रिकॉर्ड टूटा रोहित शर्मा और किलर मिलर का। उन्होंने 35-35 गेंदों में T20 में 100 लगाया था, यानी कि सेंचुरी सबसे तेज थी अब तक की। कुशल मल्ला ने ये खाक कर दिया। कुशल मल्ला ने मात्र 34 गेंदों में कारनामा किया और अब T20 की सबसे तेज सेंचुरी उनके नाम हो गई है। कुशल मल्ला ने 50 गेंदों में 127 रनों की पारी खेली और इसके साथ साथ अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा दिया। अगर इसके अलावा पूरी टीम की बात करें तो नेपाल की टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड और बनाया। अब तक T20 में कभी भी 300 रन नहीं बने थे, ये अपने आप में कमाल था। लेकिन नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रनों का एक विशालकाय लक्ष्य खड़ा किया सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। ये रिकॉर्ड अपने आप में एक कह सकते हैं पहाड़ जैसा लक्ष्य है, और ये रिकॉर्ड कब टूटेगा कोई नहीं कह सकता। इतनी खराब गेंदबाजी शायद ही अब किसी की होगी, लेकिन नेपाल की टीम ने कारनामा किया। और अगर जीत की बात करें तो अब तक की T20 में सबसे बड़ी जीत भी नेपाल के नाम दर्ज हो गई है, क्योंकि मंगोलिया की टीम मात्र 41 रन पे आउट हो गई, जिसके बाद नेपाल ये मुकाबला 273 रनों से जीत लेता है। तो कुछ इस तरह से ये मैच चला और ये मैच अपने आप को रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा चुका है। आप कैसे देखते हैं नेपाल के इस प्रदर्शन को? क्या आने वाले वक्त पर नेपाल की टीम अफगानिस्तान या तमाम दूसरी जो एशियाई टीमें हैं उनकी बराबरी लेती हुई नजर आएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए।